नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ग्राम पंचायत में आ चुकी है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत भर्ती 2023 के बारे में, जिसकी नई भर्ती की नई सूचना जारी हो चुकी है। दोस्तों ग्राम पंचायत में जो भर्ती निकाली गई है, अलग अलग पदों पर भर्ती है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप कक्षा 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तो आप सभी अभ्यर्थी जो है इन सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन जो है यहां पर शुरू हो चुके हैं। 12 नवंबर 2023 तक इसके आवेदन चलेंगे, यानी कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 12 नवंबर 2023। तो 12 नवंबर से पहले अप्लाई कीजिएगा, बट उससे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण भर्ती की जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई बड़ी भर्ती के बारे में, जो कि ग्राम पंचायत की नई भर्ती है इस साल 2023 की। दोस्तों अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है, क्लर्क, सहायक और ग्राम सेवक के पद भी हैं, एमटीएस के पद भी हैं, असिस्टेंट के हैं, एसोसिएट के पद हैं, अलग अलग पद हैं। और यहां पर आपको बता दें कि कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक पास सभी अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। और ये जो भर्ती है सभी महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भर्ती है, चाहे आप किसी भी राज्य या किसी भी शहर में रहते हैं, ठीक है, किसी भी सिटी में रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अन्य सभी जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी टुडे न्यूज़.com। यहां पर आपको सबसे पहले नई सरकारी नौकरी की जानकारी दी जाती है। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे, आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज हम बात करने जा रहे हैं आज की नई भर्तियों के बारे में। तो आज हम आप सभी के लिए ग्राम पंचायत के अलावा एक और नई भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं। तो दो भर्ती की जानकारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी की नई भर्ती के बारे में, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये जो भर्ती है अलग अलग पदों पर है, जैसा कि क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, नर्स, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर, अलग अलग पदों पर भर्ती है। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन जो है आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, मल्टीपल जॉब से, ऑल इंडिया की भर्ती है, उम्र सीमा 18 से 45 साल है। चयन प्रक्रिया में केवल आपका इंटरव्यू होगा, आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सैलरी 5200 से 20200 रुपये महीना आपको मिल रही है। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है। योग्यता में कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं और स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 12 नवंबर तक चलेंगे। यहां पर आपको नोटिफिकेशन का और अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की भर्ती की, जो कि ग्राम पंचायत की भर्ती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट ऑफिस रांची की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत की भर्ती का है। अलग अलग पदों पर है, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं, अकाउंट असिस्टेंट के पद हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट के हैं, ग्राम रोजगार सेवक के पद हैं। कुल मिला के लगभग 90 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी 11,000 से 23,000 रुपये महीना आपको मिल रही है। उम्र सीमा जो है 18 से 50 साल है और आईसीयू में छूट भी है। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है। रांची की जॉब लोकेशन है और योग्यता में डिग्री पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 3 नवंबर तक आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहां पर आपको क्लिक करना है और सूचना आपके सामने आ जाएगी। भर्ती की पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है। अप्लाई करने से पहले इसे चेकआउट कीजिएगा, और यहां पर 3 नवंबर से पहले शाम के 5 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।